स्टार्ट करते हैं न्यू ब्लॉग्स में। आज हम लोग फिर से वापस आ गया खुरपाती बॉय में। तो खुरपाती बॉय कम बैक, अभी देख सकते हैं मनोज जी, वहाँ सरोज जी देख, हेलो हाय। अरे बोलो यार कम से कम, खुरपाती बॉय कम बैक, वेलकम बैक खुरपाती बॉय, खुरपाती बॉय। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं दुग्धा बस्ती में। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे कुछ वीडियो बना ले, हमारा एक चैनल है खुरपाती बॉयज, उसका बहुत दिन से एक्चुअली हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आज हम लोग प्लानिंग किए कि हम लोग सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है, और हम लोग के साथ एक लोकल लड़का भी है, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो इनका नाम क्या है? आनंद। इनका नाम आनंद है। तो इनके साथ हम लोग मिल के यहाँ का, क्योंकि ये एरिया इनका है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आनंद से यहाँ परमिशन लेके हम लोग यहाँ पे एक वीडियो बनाए, शूट करें। तो चलिए देखते हैं ऊपर में क्या वीडियो बनने वाला है। फिर नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। दुग्धा बस्ती जो आगे है ये दिख रहा है आपको, ये दुग्धा बस्ती है जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती में माने जाता है। देखिए मेरे भाई लोग सब ऊपर जाते हुए, और आनंद जी भी हम लोग के साथ हैं, जो हम लोग को आज यहाँ पे दिखाएंगे कि ये मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ दिखाएंगे। कुछ भी आप मन्नत मांगेंगे तो आपको मन्नत मिल सकता है। तो चलिए मैं हनुमान जी का मंदिर सबसे पहले आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे निर्माण हो रहा है एक्चुअली, तो हम लोग 10 साल बाद भी हम लोग आएंगे तो यही चीज़ देखने वाले कि इसके यहाँ विशाल मंदिर बनने वाला है यहाँ पे। तो देखिए मंदिर बजरंग जी का, प्रेम से बोलो बजरंग बली की। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ आनंद जी के कारण। आनंद जी बोले कि प्लीज़ आप यहाँ का वीडियो बनाइए। तो आनंद जी इसके बारे में आप कुछ बताइए प्लीज़ जी। ये वो जो मंदिर है साइड में हनुमान जी का, अच्छा उसके साइड में जो पत्थर का मंदिर है, कहाँ पे? अच्छा वो पत्थर की मूर्ति है। अच्छा मैं दिखाने वाला हूँ, क्लोज भी आप लोग दिखाने वाला हूँ। तो मनोज जी और आनंद जी बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और आनंद जी हम लोग बताएंगे क्या चीज़ है ये, इसके बारे में हम लोग आनंद जी बताने वाले हैं। तो चलिए मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ थोड़ा। अरे सुने, 12 साल 2 महीना के बाद हम मुँह खोले, 6 साल पहले तो मेरा नाम कैलाश भगत है जी, और 6 साल रह गए दही दूध से। अच्छा। उसके बाद 6 साल 2 महीना फिर, तब बीच में वो 6 साल जो रहे ना, उसी समय भगवान मैंने जैसे उत्पन्न हुए हनुमान। अच्छा अच्छा। ये पत्थर जी जी, भगवान जैसा गोल है, बाएं साइड में गदा है जी, और बाएं पर में पांजन है। अच्छा। ज्यादा के अनुकूल आए हैं वो है, और हृदय को चीरे हुए हैं, हृदय ऊंचा है, सीताराम जी है, और यहाँ बगल से पश्चिम दिशा से आए हैं हनुमान जी प्रकट किए। अच्छा अच्छा। और क्या बताए? तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली 6 महीना से इसका दूध दही खा के थे। हाँ, उसके बाद और 6 साल से है, और 6 साल बीता, तो 12 साल 2 महीना में मुँह खोले जानकी मंदिर में। अभी प्रतिज्ञा ली थी जब तक, और नेपाल में अभी तक भंडारा नहीं कर पाए। अच्छा। जानकी मंदिर में मुँह खोले थे। अच्छा अच्छा। नेपाल जाने में जी जी जी। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि बाबा जी से मिल गए। तो बाबा जी को हम प्रणाम करते हैं सबसे पहले। तो हमारे चाहेंगे कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ आप बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इसी आशीर्वाद से हम लोग खुरपाती चैनल को हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ा सकते हैं अपना चैनल को। प्रेम से बोलो बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो बाबा जी बोल रहे कि उनसे आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे जो अंकल है बहुत मेहनत कर रहे हैं मंदिर के निर्माण के लिए। तो हम मंदिर के निर्माण के लिए हम इनसे राय लेना चाहेंगे जरूर एक बार, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मदन दास। आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर तो देखिए हम लोग सहयोग से सबका बना रहे हैं, अभी तक मूर्ति कंप्लीट हुआ है। अच्छा। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीना के अंदर मूर्ति मंदिर भी बन के तैयार है। जी जी। और सारे लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें। अच्छा। गांव के भी और कॉलोनी के भी लोग। अच्छा। सहयोग दे रहे हैं, और मूर्ति का निर्माण भी मंदिर का निर्माण। तो अंकल ये मंदिर कब तक बन जाएगा? लगभग लगभग 2 से 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ये मंदिर का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा ना? मतलब स्टार्ट हो ही चुका है, बस योगदान का जरूरत है। तो हम जितने भी दुग्धा या बगल वाले निवासी हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार आप जरूर आएँ, हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे कुछ योगदान करें, क्योंकि इस योगदान से हम लोग छोटा योगदान से, क्योंकि एक एक क्या बोलते हैं उसको,
एक एक बूंद मिलके घड़ा भरता है। उसी तरह हम लोग अगर कुछ डोनेट कर रहे हैं सब मिलके, तो ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये विशाल मंदिर बनने वाला है और ये बहुत जल्द विशाल मंदिर बन जाएगा। और दुगदा तो इसे फेमस एरिया है, देख सकते हैं दुगदा के एरिया को आप लोग, ये बहुत ही अच्छा जगह है दुगदा। और हमारे साथ अभी छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं देख सकते हैं। तो छोटू आपका नाम क्या हुआ बाबू? सचिन कुमार दास। और इनका हेलो हेलो, इधर आओ, शर्मा होती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कब यार। तो मैं जरूर चाहूँगा कि एक एक करके इन लोग का नाम जानूंगा सबसे पहले। तो छोटू आपका नाम क्या हुआ? सचिन कुमार दास। क्या? सचिन कुमार दास। जोर से बोलो यार, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली सचिन कुमार दास। और आपका नाम? सोनू केवट। आपका? आपका दोनों का अनुप केवट। अच्छा आपका नाम क्या है? और इधर तो बाबा जी हम जरूर जाएंगे, बाबा जी को थोड़ा सा रोकना चाहते हैं, तो बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे थे इसके विषय में, तो बाबा जी प्लीज आप बोल सकते हैं। अरे माता जी हमारा 12 साल 2 महीना तक मोन रहे, बात नहीं किए। अच्छा बस इतना ही यही छुट गया था। अच्छा अच्छा 12 साल 2 महीना तक कुछ भी बात किसी से नहीं, किसी से बात नहीं, मोन रहे मोन रहे ये होता ही है, श्रद्धा तो सबके ऊपर है। तो आज हम लोग को सबसे बड़ा खुशी हो रहा है कि आनंद जी हम लोग को यहाँ पे बुलाए, कि हम लोग तो एक्चुअली आए थे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो आनंद जी बोले कि प्लीज आप मंदिर का यहाँ जो हनुमान मंदिर देख सकते हैं उस मंदिर के रिलेटेड आप लोग सबसे पहले शुरुआत कीजिए, इस वीडियो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अंकल से हम लोग मिलने वाले हैं, हमारे अंकल हैं। तो है अंकल, क्या नाम हुआ आपका? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, नाम भी प्रभु वाला है, तो सबसे पहले मैं इनको पांव छूना चाहता हूँ। मंदिर के बारे में सहदेव और हमारा मदन भगत जी सब हम लोग मिल करके ये लोग अपना पूंजी लगा के हनुमान मंदिर खड़ा किए हैं, मूर्ति बनाए हैं। अभी काम तो हम लोग बहुत बाकी है। अच्छा अभी हम लोग छवाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए भी हम लोग कॉलोनी में और गांव में थोड़ा सा मदद मांग करके उसको छावनी बनाया। जी जी। तो मंदिर के जब कभी भी आप मंदिर आए तो देख सकते हैं कि कभी भी अच्छी चीज काम करना शुरुआत करते हैं हम लोग जब भी, तो सबसे पहले देख सकते हैं मौसम, ये मौसम भी सुहाना है और ये बजरंग बली का झंडा, तो कितनी सुहाना मौसम है, कितनी विशाल मंदिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बजरंग जी का हम लोग सब मिल के पाँव छूते हैं। आनंद जी से भी हम अनुरोध करेंगे प्लीज आप, देखिए कितने बड़े इतनी विशाल मंदिर है यहाँ पे बजरंग जी का। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल मैं एक बार चाहूँगा कि आप कस्तूरबा गांधी ये जो कॉलेज है दुगदा कहाँ पे है, आप मेंशन जरूर कीजिए कि ये झारखंड में है, इंडिया में कहाँ पे है, इसको आप जरूर मनोज जी आप थोड़ा प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। ये देखिए ये दुगदा बस्ती है, दुगदा बस्ती पड़ता है हमारा झारखंड में, झारखंड का बोकारो जिला में पड़ता है, और ये यहीं दुगदा बस्ती में ही ये कॉलेज है कस्तूरबा गांधी कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, इसमें सिर्फ गर्ल्स आती है। और बाकी दुगदा बस्ती आप जानते ही हैं कि झारखंड के सबसे दूसरा बड़ा गांव में आता है। देखिए सभी हमारे खुरपाती बॉयज़ और गांव के छोटे छोटे बच्चे सभी इस भव्य मूर्ति के सामने छोटे लग रहे हैं, ये मूर्ति इतना भव्य है इसके सामने सब बच्चे लग रहे हैं, बड़े से बूढ़े सब बच्चे लग रहे हैं। यही मूर्ति का निर्माण हो रहा है और इसी के ऊपर मंदिर बनने जा रहा है जो बहुत भव्य दिखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरे पहाड़ के ऊपर में है, यहाँ से दूर दूर तक नज़ारा दिखता है जो बहुत ही खूबसूरत है। बाकी हम लोग सब मिलके इस निर्माण में सहयोग करेंगे, बहुत खुशी हुआ आज यहाँ पे आके। बहुत दिनों के बाद हम लोग खुरपाती जिले में फिर से एक बार दोबारा आए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुरपाती बॉय के नाम से है, और हमारे इसी तरह के वीडियो आप लोग देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि दुगदा बस्ती कहाँ पे है ये। हाँ और इसी मंदिर में आप लोग
द्वारा आप लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर पे जाते होंगे अपना मन्नत मांगने के लिए। ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी मन्नत मांग सकते हैं आप, और ये मन्नत मांगने से जरूर पूरा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली का नाम लेते ही देख सकते हैं ये अंधेरा पूरा हो गया, बादल सब, ये बजरंग बली का देन है। और बजरंग बली सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि हम लोग चैनल किस तरह ग्रो करें। जिस तरह ये धुआंधार बारिश हो रहा है अभी, उस तरह धुआंधार हम लोग का वीडियो भी चले। और हमारे सभी सब्सक्राइब यूट्यूबर्स अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं देख सकते हैं। और आनंद जी का बहुत रोल है हम लोग के साथ, आनंद जी हम लोग का बहुत हम लोग को हेल्प किए इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनके मदद से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और बजरंग बली तो हम लोग का आशीर्वाद में है ही। देख सकते हैं ये धुआंधार बारिश हो रहा है, तो बजरंग बली का नाम लीजिएगा। और बजरंग बली आएंगे कैसे, नहीं हो नहीं सकता है। तो हम लोग अभी आए हुए हैं और हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर मन्नत मांगिएगा और आपका मन्नत पूरा नहीं होगा। और हमारे छोटे छोटे भाई लोग वहाँ पे खेल कूद रहे हैं देख सकते हैं वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हम लोग वापस फिर से आ गए हैं इस गैंग में, मिल चुके हैं। देखिए भाई साहब को, ये दिल्ली चले गए थे जिसके कारण हम लोग का वीडियो रुक चुका था। सो वी आर बैक, खुरपाती जो एक बार बैक।